हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन अनदर न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक हैं। तो मैं यहाँ आ गई हूँ कोयनर पेड़ का जगह, और ये हम लोग का डांग, क्या बोलते हैं इसका, डंटा, उसको बनाया है डांग। और ये देखिए, मैं कोयनर का फूल तोड़ी हूँ और इतना सारा इधर डाली सब है, डाली सहित इसको तोड़ी थी। ये वाला डांग से नहीं पहुंचता है ना, नीचे नीचे नहीं है, उधर वाला डाली को छाट दिए तो और नीचे नहीं है, और जहाँ इधर इधर नीचे नीचे था वो सबको तो एक दिन तोड़ी थी और सब्जी बनाई थी, फिर तो ऐसे ऊपर ऊपर खाली है, देखिए ऐसे ऊपर ऊपर है तो नहीं पहुँचता है, तो ऐसे डंटा से हम लोग तोड़े हैं। इसको बॉयल करके सुखाऊंगी, सुखाने के लिए तोड़ी हूँ, लेकिन आज नहीं सुखाऊंगी, आज बस बॉयल करके रख दूँगी फ्रिज में, उसके बाद में कल सुबह से सुखाऊंगी। और आज ठीक से धूप भी नहीं दे रहा है, अच्छे से नहीं सूखेगा एक दिन में तो बासी हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। वैसे तो यहाँ सब नीचे नीचे है, लेकिन ये सब नहीं हुआ है, और जितना भी हुआ था वो सबको हम लोग तोड़ लिए पहले ही। हम लोग का लंच हो गया है और देख सकते हैं आज बिल्कुल भी धूप नहीं है, बादल बादल किया हुआ है, धूप नहीं है बिल्कुल भी आज। और इधर देखिए पूरा झाड़ी में यहाँ पर फूल खिला है। यहाँ पर पहले ये वाला पेड़, आंवला का पेड़ नहीं था यहाँ पर, इसको बाद में लगाए हैं, तो अभी थोड़ा यहाँ पर झूठ जैसे हो गया है। पहले ये वाला फूल का पेड़ खाली था, ये वाला भी नहीं था, वो सब भी नहीं था, ये सब बाद में लगाए हैं, इसीलिए ये वाला छुप जा रहा है, ये वाला फूल का पेड़। उस पेड़ का नीचे छोटा छोटा निकला है, उसको उधर सामने तरफ लेके जाएंगे, उधर लगाएंगे। अभी मैं इधर बाहर आ गई हूँ, हम लोग का बाउंड्री का बाहर, इधर यहाँ बरगद का पेड़ है उसका नीचे आ गई हूँ। उधर अंदर में तो पूरा बिल्कुल हवा नहीं लग रहा है, तो हर दिन मैं ऐसे ही खाना खा के थोड़ा देर इधर निकलती हूँ ठंडा ठंडा हवा खाने के लिए, और खाना खाने के बाद ना थोड़ा सा गर्मी लगता है, तो इसीलिए इधर आ गई हूँ। और इधर हम लोग का बुतरू सब भी आ गए हैं, ये सब भी खाना खा के निकल गए हैं। मैं एक चीज़ आप लोगों को दिखा रही हूँ, देखिए माँ कैसे अलग ये लगाए हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, झींगा कि गोंगरा बोलते हैं, झींगा, और हिंदी से तो क्या तुरई ना क्या बोलते हैं, और हम लोग का मुंडारी भाषा से तो एकदम पूरा सरसठा गोंगरा, झींगी बोलते हैं, झींगी गोंगरा। ऐसे छोटा छोटा होता है ये वाला, इसको पोटल पोटल गोंगरा बोलते हैं, पोटल गोंगरा या पोटल झींगी बोलते हैं। इसको ऐसे ही पोटल जैसे ही थोड़ा हल्का हल्का छील देते हैं और पकाते हैं इसको। मेरा कैमरामैन को खाना खाने उठाई तो नहीं उठे, नहा धोया के सो गए इसे ही बिना खाना खाए, और अभी उठे हैं और मेरे को डरवा रहे हैं, वहाँ से पत्थर मार रहे हैं ये वाला पेड़ में, और छुप जा रहे हैं। ये होशियार को देखिए, मेरे को डरवा रहा है एकदम, अभी खाना खा रहा है। इधर तो देख दो, छुप रहे हैं, देखिए रुगड़ी मिली है, रुगड़ी घर का चावल में इसे रखता है, तो एक एक दो दो ठू,
शाम का 4 बज गया है और मौसम बहुत ही सुहावना है। एकदम साफ हो गया है मौसम। आसमान को देख सकते हैं, एकदम पूरा साफ है। तभी बादल बादल किया था, अभी साफ है। और मैं थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ। और हम लोग का घर पूरा सुनसान है, कोई नहीं है। माँ और मेरी फूफू सास वो लोग कल ही चले गए, मेहमान गए हैं दीदी लोग का यहाँ, और बाबा गए हैं बाजार, और मेरा कैमरामैन भी गए हैं बाजार। बाबा तो मार्केटिंग के लिए गए हैं, लेकिन मेरा कैमरामैन क्या क्या लाएंगे पता नहीं। उनके पास तो कुछ पैसा है ही नहीं, ऐसे ही घूमने निकल गए हैं। फिर भी मैं कुछ कुछ लाने बोली हूँ, ला रहे हैं कि नहीं पता नहीं, पैसे सब पकड़े हैं कि नहीं, नहीं तो वैसे ही चले जाते हैं बस घूमने के लिए। अंडा को इधर बॉईल होने के लिए चढ़ा दी हूँ, और आलू तो नहीं है, एकदम पूरा खत्म हो गया है। वही मेरा कैमरामैन को कॉल करके बोली कि आलू लेते लाइएगा बोल के, अभी तक नहीं आए हैं। अभी उसके लिए दोबारा से और उसको अलग से बॉईल करना पड़ेगा, लाएंगे तो। और बाबा ये समोसा लेके आए हैं, हम दोनों के लिए बस लेके आए हैं, मेरा कैमरामैन और मेरे लिए, और एक टॉफी के लिए लाए हैं। समोसा खाते खाते मेरा कैमरामैन का वेट करते हैं, खून निकल रहा है। ये देखिए, यहाँ पर तेल छिटक गया था तो यहाँ फोड़ा जैसे हो गया था, गरम तेल छिटक गया था तो ऐसे हो गया था। आजकल कितना छोटा छोटा समोसा, एकदम पूरे छोटा छोटा। ये 5 रुपया। देख रहा है इसको, छिलका को दूंगी, क्योंकि ना आलू को नहीं खाता है। लो, आलू पसंद नहीं है उसको। मेरा कैमरामैन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।